लेट्स के आप एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं 12,000 रुपए में, जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा और अच्छी रैम मिल पाए, चाहे वो चाइनीज हो या नॉन चाइनीज। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु 2020। आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन्स को देखने वाले हैं, चाहे वो चाइनीज हो या नॉन चाइनीज, जो आपको सिर्फ 12,000 रुपए में मिलते हैं, जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा और अच्छी स्टोरेज भी मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जब भी हम ये लिस्ट बना रहे थे या हमने अपने एनालिसिस किए थे, तो हमने एक बेसिक क्राइटेरिया को सेट किया था कि फोन का जो डिस्प्ले होना चाहिए वो 6.4 या 6.5 इंच तो होना ही चाहिए। उसमें 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज होना जरूरी है और साथ ही में 5000mAh की बैटरी होना जरूरी है। अगर हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो क्राइटेरिया हमारी टॉप की लिस्ट पे था। और हमारी लिस्ट में एक पॉइंट और था, जो कि था कैमरे का। 12 मेगापिक्सल का कैमरा होना तो जरूरी है। तो ये सारी लिस्ट में हमने ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए, तब जाके हमने ये टॉप 5 स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा स्मार्टफोन है। फ्रेंड्स, फिफ्थ पोजीशन पे है एक नॉन चाइनीज ब्रांड, जो की है सैमसंग। सैमसंग का M11 फोन है हमारी फिफ्थ पोजीशन पे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन मार्केट में नॉन चाइनीज फोन में बहुत ही कम ऐसे ब्रांड है जो कि रिलायबल हो। सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडियन मार्केट में बहुत टाइम से राज कर रहा है, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो इसलिए सैमसंग हमारी लिस्ट में है। अगर आप नॉन चाइनीज फोन की बात करेंगे तो सैमसंग तो हमेशा लिस्ट में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सैमसंग के M11 में हमको क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। फ्रेंड, सैमसंग में आपको 6.4 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। हालांकि TFT डिस्प्ले बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि नए फोन्स पे आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। सैमसंग में आपको दो वेरिएंट के फोन मिलेंगे, 3GB 32GB इंटरनल स्टोरेज एंड 4GB एंड 64GB। 4GB एंड 64GB हमारी लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कॉस्ट 12,000 से ऊपर है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है, जो कि नॉर्मल HD कैमरा है। अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का HDR कैमरा मिलता है। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 मिलता है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, और जो कि लियोन है। चार्जिंग की बात करें तो आपको यहाँ फास्ट चार्जिंग मिलती है, यहाँ पे आपको 15W का चार्जर मिलता है। अगर हम कलर्स की बात करें, किस कलर्स में आपको ये फोन मिलते हैं, तो ये आपको ब्लैक, मेटालिक ब्लू एंड वायलेट कलर में मिलता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, 3GB एंड 32GB आपको 10,998 रुपीज में मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सैमसंग गैलेक्सी M11 को फिफ्थ पोजीशन पे क्यों रखा है, और इसके लिए बहुत सारे रीजंस अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा रीजन है, इसमें आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि बहुत अच्छा डिस्प्ले है, मगर जो डिस्प्ले है वो TFT है, जहां आपको सेम प्राइस में, मीन सेम ही रेंज पे आपको LCD डिस्प्ले मिलते हैं। नंबर टू रीजन है रैम। इसमें आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, वहीं आपको दूसरे फोन में 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अगर हम इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जो कि नॉर्मल HD कैमरा है, वहीं आपको दूसरे फोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा ही क्वाड कैमरा मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर मिलता है, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है, जहां आपको इसी सेम प्राइस रेंज में, चाहे वो नॉन चाइनीज हो या चाइनीज फोन हो, वहां पे आपको लेटेस्ट प्रोसेसर्स मिलते हैं, लाइक मेडीटेक का G80 हो या स्नैपड्रैगन का 665 हो, ये लेटेस्ट प्रोसेसर्स मिलते हैं। तो यही रीजंस है हमने इस फोन को फिफ्थ पोजीशन पे रखा है। अगर आप गेमर्स हैं तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज डोंट परचेज इट,
एल्स योर मनी विल बी वेस्टेड। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, आप नॉर्मली फोन को यूज कर सकते हैं तो देन आप उसको परचेज कर सकते हैं, मगर मेरा सजेशन यह है कि आप इसको परचेज मत कीजिएगा बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, अगर आप नॉन चाइनीज फोन ही परचेज करना चाहते हैं तो हमारे लिस्ट में एक और नॉन चाइनीज फोन है जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, वो भी इसी प्राइस रेंज में, जो कि हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, फोर्थ पोजीशन पे है रियलमी का 5i जो कि एक चाइनीज फोन है। इसमें आपको 6.5 इंची का LCD डिस्प्ले मिलता है विद गोरिल्ला ग्लास, और साथ ही में आपको इसमें 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें आपको 4 कैमरा मिलते हैं। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल वाइड क्वाड कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिलता है। अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो वो आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ 5000 mAh की लियोन बैटरी मिलती है, मगर इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, जो कि एक ड्रॉबैक है। ये फोन आपको ब्लू एंड ग्रे कलर में मिलता है और इसका प्राइस है 10,999। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रियलमी 5i के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकग्निशन का सेंसर भी मिलता है और साथ ही में आपको इसमें अच्छा प्रोसेसर मिलता है जिससे आप PUBG जैसी गेम्स को आसानी से प्ले कर सकते हैं, वो भी मीडियम सेटिंग्स पे। साथ ही में आप जानते हैं इसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो आपका वीडियो वॉचिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देगा, और साथ ही में आपको यहाँ 12 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी में नॉर्मल मिलता था, यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा मिलता है जो आपकी कैमरे की क्वालिटी को भी एनहांस करता है। इसमें मुझे एक ड्रॉबैक लगा क्योंकि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है जो कि आज के लेटेस्ट फोन्स में आ रही है, इसी वजह से ये फोन हमारी फोर्थ पोजीशन पे है। फ्रेंड्स, थर्ड पोजीशन पे है नॉन चाइनीज फोन जो कि है मोटोरोला का G9 जो कि रिसेंटली 24 अगस्त को ही लॉन्च हुआ है और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि एक LCD डिस्प्ले है और साथ ही में आपको 4GB की रैम एंड 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, साथ ही में आपको यहाँ 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 20 वाट का चार्जर मिलता है जिससे आपका फोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। ये फोन आपको फॉरेस्ट ग्रीन एंड सफायर ब्लू कलर में मिलता है और इसकी कॉस्ट है 11,499 रुपीज। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मोटो G9 के कुछ एडिशनल फीचर्स को देख लेते हैं। इसमें आपको 6.5 इंचेस का HD डिस्प्ले मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप गेमर हैं तो आप गेमिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही में आपको इसमें एंड्रॉइड 10 का वनीला फ्लेवर मिलता है जिसको हम MyUX UI बोलते हैं, जो कि एक वनीला फ्लेवर होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी बैटरी मिलती है तो वो नियर अबाउट 1.5 to 2 days आराम से चल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। साथ ही में आपको इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है तो आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप नॉन चाइनीज या चाइनीज फोन ढूंढ रहे हैं तो मोटोरोला इज फॉर यू। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज फुली वर्थ फॉर यू। फॉर माई साइड इट इज गुड टू गो, यू कैन बाय मोटोरोला फोन एज वेल। सो आपको सारे फीचर्स एक ही जगह मिलते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 2 पोजीशन पे है रियलमी का नार्जो 10। तो चलिए देखते हैं क्या वो रीजंस है। इसमें आपको 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही में गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें आपको लेटेस्ट OS 10 मिलता है। इसमें आपको 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें आपको 4 कैमरास मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड,
2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है और सेल्फी कैमरा भी आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। अगर बैटरी की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वॉट चार्जर विद फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। ये फोन आपको व्हाइट एंड ग्रीन कलर में मिलता है और इसका प्राइस है 11,999 रुपीज। फ्रेंड्स, अब हम इसके और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसमें रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही में आपको फिंगरप्रिंट एंड फेक रिकॉग्निशन सेंसर भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, जो कैमरा आपको इस प्राइस रेंज में मिलता है वो आपको कई फोनों में 15,000 रेंज में भी नहीं मिलता है। तो ये फोन फुली पैक ऑफ फीचर्स है, तो आप इस फोन को आंखें बंद करके परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है नंबर वन स्पॉट की और नंबर वन स्पॉट पे है ओप्पो का M2। ये फोन रिसेंटली 8 सितंबर को ही लॉन्च हुआ है। ये नंबर वन पोजीशन पे बहुत सारी रीजंस की वजह से है, तो चलिए देखते हैं क्या वो रीजंस हैं। और इसमें आपको 6.53 इंचेस की स्क्रीन मिलती है विद HD डिस्प्ले जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें आपको 6GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फ्रेंड्स, ये फोन एक ऐसा फोन है जिसमें आपको 6GB रैम मिलती है और वो इस प्राइस रेंज में किसी और फोन में आपको नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर OS की बात करें तो Android 10 MTUI जो कि एक लेटेस्ट OS है आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें आपको MediaTek Helio G80 मिलता है जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। और अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 4 कैमरा मिलते हैं। 13 मेगापिक्सल वाइड क्वाड कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वॉट चार्जर जिससे आपका फोन जल्द ही चार्ज हो जाएगा। ये फोन आपको ब्रिक रेड, ब्लैक एंड ब्लू कलर में मिलेगा और इसका प्राइस है 10,999 रुपीज। फ्रेंड्स, आपको इस प्राइस रेंज में आपको 6GB रैम मिल रही है जो किसी भी फोन में नहीं मिलती है और साथ ही में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड फेक रिकॉग्निशन सेंसर भी मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। और आपको यहाँ कैमरा भी क्वाड कैमरा मिल रहा है एंड दिस फोन इज फुल पैक ऑफ फीचर जो फोन आपको सिर्फ मिल रहा है 10,999 रुपीज में। तो फ्रेंड्स, आप इस फोन को आंखें बंद करके परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी लिस्ट जो आज हमने आपके साथ शेयर की है। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी लिस्ट में से कौन सा फोन अच्छा लगा है और कौन सा नहीं और क्यों। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सारी लिस्ट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Be safe and stay connected with Tech Guru 2020. Bye-bye.